हे दोस्तों, आप ये वीडियो देखो। फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, नाइलिज्म, ऐसे शब्दों से दूर रहना, क्योंकि अगर तुम इनके बारे में जानने लगे तो सबसे पहले तुम्हें लगेगा बाकी सब लोग बेवकूफ हैं। फिर तुम्हें पता चलेगा कि बाकी सब लोग नहीं, मैं भी बेवकूफ हूँ, हम सब बेवकूफ हैं। फिर एक पॉइंट आएगा जब तुम्हें पता चलेगा मैं ही बेवकूफ हूँ, बाकी सब ठीक है, मैं ही पागल हूँ जो मैंने इन सब चीजों के बारे में जाना। क्योंकि अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी जब से इस जिंदगी पे सवाल उठाना शुरू करा है, तब से परेशानी शुरू हुई है। आपको पता है, ये वीडियो देखने के बाद ना मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं बुक समरी बनाने वाला था, बट उसे छोड़ के मुझे ये जरूरी लगा कि पहले इस वीडियो को डिबंक किया जाए, बिकॉज ये वीडियो 3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है और बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद भी किया है। जबकि मुझे लगता है कि अगर ऐसे वीडियोस से फ्यू 100 लोग भी इंस्पायर होके साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, फिलोसफी, बाकी दो की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो भी फिलोसफी में आते हैं मेरे हिसाब से, इन सब्जेक्ट्स को अगर लोग हेट करना स्टार्ट करेंगे या उसे दूर होना भी स्टार्ट होंगे, तो ये उनकी ही लाइफ को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना सकता है। बिकॉज एक गुड लाइफ के लिए हमें क्या चाहिए? सिंपली हेल्थ, वेल्थ, लव और हैप्पीनेस। और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल सकता हूँ, ये चारों चीजें अपनी लाइफ में अगर आपको अच्छी करनी है तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपकी उसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। और मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इन 3 सब्जेक्ट्स ने मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प किया है अपनी लाइफ में ग्रो होने के लिए। तीनों में से चलो सबसे पहले साइकोलॉजी की बात करते हैं। मैंने एक मल्टी मिलियनर का इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मेरे सामने दो लोग आए, एक जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास हुआ है और दूसरी तरफ एक बंदा है जिसने साइकोलॉजी की कई सारी बुक्स पढ़ी है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी समझता है, वो बोलते हैं कि एनी टाइम मैं उस बंदे को अपनी कंपनी संभालने के लिए दे दूंगा, हायर करूंगा। बिकॉज साइकोलॉजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सब्जेक्ट है जो एक इंसान को समझना चाहिए। अब देखो, साइकोलॉजी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे साइकोलॉजी एंड इट्स टाइप्स, इसमें आपको इतने सारे डिफरेंट टाइप्स दिख जाएंगे। बट अभी के लिए मैं सिर्फ 4 चीजों पर फोकस करूंगा जहां साइकोलॉजी का आपको यूज करना ही चाहिए, जो अगेन है हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। साइकोलॉजी और हेल्थ। एक औरत ऑथर के पास आती है और वो बोलती है कि मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली है, अलग अलग डाइट, अलग अलग चीजें, बट स्टिल मैं अपना वेट कम नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर ऑथर ने ना एक सोल्यूशन देते हैं, सिंपल सा सोल्यूशन। वो बोलते हैं कि आप टीवी देखती हो, राइट, तो आप क्या करना, जब भी टीवी पर एड्स आते हैं उस टाइम पर खड़े होकर वॉक करना स्टार्ट कर देना। ना वो औरत जब उनके पास आई थी, ऑथर के पास, तो उन्हें लगा था कि यार ऑथर उन्हें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने बोलेंगे, डाइट चेंज करने, खूब सारी एक्सरसाइज करने, बट ये चीज़ सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। एंड गेस व्हाट, जब उन्होंने वो एक सिंपल चीज़ करना स्टार्ट करी तो इसके कुछ टाइम बाद ही उस औरत में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखना स्टार्ट हो गए और वो पतली होने लग गई। अब ये मैं कौन सी बुक की बात कर रहा हूँ, अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बट बात ये थी कि यहाँ पे ना उस ऑथर ने भी साइकोलॉजी का यूज़ किया था उस औरत की हेल्थ को अच्छा करने के लिए। ऑथर ये चीज़ समझते थे कि हम इंसानों को ना डिफिकल्ट काम करना इतना पसंद नहीं है, लेकिन अगर हम लोग सिंपल काम करेंगे और उसे रेगुलरली करना स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए करना इजी होती है। बेसिकली आप बोल सकते हो उसे साइकोलॉजी का सिंपल प्रिंसिपल यूज़ करके ऑथर ने उस औरत को अपना वेट कम कराने में हेल्प करी, उनकी हेल्थ अच्छी करने में हेल्प करी। ऐसी साइकोलॉजी में अगर देखा जाए, कोई भी ह्यूमन ना सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से एक्शन लेता है, आइदर टू अवॉइड पेन और टू गेन प्लेजर। ये 2 फंडामेंटल चीजें हैं जो ह्यूमंस को मोटिवेट करती है एक्शंस लेने के लिए, और इसी के बेसिस पे ना ये बोल सकते हो कि ये फंडामेंटल आप बोल सकते हो साइकोलॉजी है। और इसके बेसिस पे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं लोगों की हेल्थ अच्छी करने के लिए, जैसे स्मोकिंग क्विट करने में भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे जहां देखा गया था कि साइकोलॉजी के जब इस प्रिंसिपल को यूज करा गया था, जब सिगरेट पीने से रिलेटेड लोगों को पनिशमेंट दी गई थी और स्मोकिंग छोड़ने में उन्हें रिवॉर्ड दिया गया था, तो ये सिंपल चीज आप बोल सकते हो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्सपेरिमेंट था जहां मैक्सिमम लोगों ने स्मोकिंग को क्विट किया था। इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट बात यही है ना कि साइकोलॉजी का अगर आप यूज करते हो तो उससे आप अपनी हेल्थ अच्छी करने के लिए बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं साइकोलॉजी एंड वेल्थ। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि अगर उन्हें वेल्दी बनना है, बहुत पैसे कमाना है, तो उन्हें ना कुछ स्पेसिफिक टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे, तब जाके वो अमीर बन सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, वेल्दी बनना इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, बेसिकली आप बोल सकते हो वो भी साइकोलॉजी है। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइकोलॉजिकल लेसन जो मैंने सीखा है, जिसने मुझे वेल्थ क्रिएट करने में बहुत हेल्प करी है, वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मैक्सिमम लोग आप नोटिस करना सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, वो आज मेहनत नहीं करना चाहते ताकि उनका कल अच्छा हो। जबकि जो लोग अमीर बनते हैं वो लोग इसके एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं, वो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन को समझते हैं। फेमस मार्शमेलो टेस्ट भी यही चीज़ को प्रूव करता है। जो बच्चों के अंदर सेल्फ कंट्रोल था, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं गए, जिन्होंने मार्शमेलो नहीं खाए और थोड़े टाइम रुके,
वो बच्चे उन बच्चों से बहुत ज्यादा लाइफ में अच्छा प्रोग्रेस करे जो लोग के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं था। ये साइकोलॉजी का एक लेसन जो वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। ऐसी एक पूरी बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके अंदर ऑथर ने बताया कि कैसे साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ज्यादा पैसे कमाने में। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मैक्सिमम लोगों को लगता है पैसे कमाने के लिए उन्हें बहुत सारे ट्रेड्स करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे वो लोग रेगुलरली, तब ज्यादा पैसे कमाएंगे। जबकि आपने देखा होगा मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं स्टॉक मार्केट से, वो लोग यूजुअली ट्रेडर्स नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। ऐसे ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऊपर मैंने पूरी अच्छी डिटेल समरी बनाई है, वो आप जाके जरूर देखना, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कैसे आप साइकोलॉजी का यूज कर सकते हो बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लिए। अब आते हैं साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप पे। अगेन, अगर आप साइकोलॉजी को समझोगे तो आप अपने रिलेशनशिप को भी बहुत बेटर कर सकते हो, और इसके लिए भी कई सारी इंटरेस्टिंग बुक है जैसे कि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे आदमी की साइकोलॉजी और औरतों की साइकोलॉजी कितनी डिफरेंट होती है। मैक्सिमम आदमी औरतों में परेशानी इसलिए होती है बिकॉज हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हम दोनों की साइकोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। जब एक आदमी बात करता है वो औरतों को सोल्यूशंस देता है, जबकि औरतें चाहती हैं कि जब वो बात करे तो उन्हें सोल्यूशंस ना दिया जाए बल्कि बस उनकी बात को सुना जाए और उन्हें समझा जाए। और टू बी ऑनेस्ट, यही साइकोलॉजी जब हम समझ नहीं पाते हैं इसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। इसकी भी मैंने एक डिटेल समरी बना के रखी है, अगर आप चाहते हो तो जाके देख सकते हो। अब आते हैं साइकोलॉजी और हैप्पीनेस के ऊपर। मार्टिन सेलिगमैन की एक बुक है ऑथेंटिक हैप्पीनेस, जिसके अंदर वो बताते हैं कि कैसे एक इंसान हैप्पीनेस को अचीव कर सकता है। ना वो कई सारी चीज़ें बताते हैं जैसे कि विजडम, करेज, ह्यूमैनिटी, ट्रांसकेंडेंस, जस्टिस, मॉडरेशन, जिसमें ये सारी चीज़ें आती है। ये सब अगर आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करोगे तो ये आपको हैप्पी रखेगा। बट आई नो ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो इससे बेटर एक काम करते हैं आप साइकोलॉजी से हटके, चलो अब बात करते हैं थोड़ी फिलॉसफी की। अगर आपको नहीं पता तो बता दूँ, साइकोलॉजी जो आया है ना वो कहीं ना कहीं फिलॉसफी से ही डिराइव्ड हुआ है। लेकिन फिलॉसफी और हैप्पीनेस का एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है जिसको वन ऑफ माय फेवरेट फिलॉसफी बताती है, जिसे बोलते हैं एपिक्यूरियन फिलॉसफी। अभी मैं आपके साथ फिलॉसफी में दो इंपॉर्टेंट फिलॉसफी शेयर करने वाला हूँ जो मुझे लगता है आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। पहली ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया वो है एपिक्यूरियन फिलॉसफी, जो फिलॉसफी एपिक्यूरस ने लेके आई और फेमस किया। एपिक्यूरस 1317 BC में पैदा हुए थे, और जहाँ मैक्सिमम लोग ये स्टडी कर रहे थे कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए, वहीं पे एपिक्यूरस ने क्या किया कि उन्होंने ये चीज़ स्टडी करना स्टार्ट करी कि लोग हैप्पी कैसे रह सकते हैं। अब जब उन्होंने ये सब स्टडी करना स्टार्ट करी तो उनके बारे में बहुत सारी अफवाह फैलना स्टार्ट हो गई कि एपिक्यूरस जो था ना वो लोगों को गंदी चीज़ें सिखा रहा है, सेक्स और जी, और अपनी खुद की प्लेजरेबल स्कूल खोल रहा है जहाँ वो लोगों को हैप्पी रहना सिखा रहा है। बट सच तो ये था ना कि ऐसा कुछ नहीं था। एपिक्यूरस एक बहुत ही सोबर इंसान थे, जिनके पास सिर्फ दो कपड़े थे खाने के लिए, ब्रेड, ऑलिव्स, और कभी कभी वो चीज़ खाते थे। और कहीं ना कहीं वो ये बोलते थे उनकी जो शादी हुई है वो बस फिलॉसफी से हुई है। जब उन्होंने हैप्पीनेस के ऊपर स्टडी करी सालों साल, तो वो ये कंक्लूजन पे आए कि तीन सबसे बड़ी गलतियां लोग समझते हैं हैप्पीनेस को लेके। पहला, लोगों को लगता है कि हैप्पीनेस उन्हें मिलेगी जब उनकी ज़िंदगी में हॉट सेक्सुअल रिलेशनशिप होंगे। दूसरा, लोगों को लगता है कि वो हैप्पी रहेंगे जब उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होगी। और तीसरी मिस्टेक जो हैप्पीनेस को लेकर लोग करते हैं वो ये है कि उन्हें लगता है कि अगर उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लग्जरी होगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। बट एपिक्यूरस बोलते हैं कि उन्होंने इन तीनों टाइप के लोगों को अच्छे से स्टडी करा और देखा। उन्होंने नोटिस करा जो लोगों के हॉट सेक्सुअल रिलेशनशिप रहते हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी में इतने खुश नहीं रहते हैं। कई बार पोजेसिवनेस, झगड़े और कई सारी चीज़ें उनकी खुशियाँ उनसे छीन लेती है, बहुत हॉट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होने के बाद भी। सेकेंड, उन्होंने वेल्दी लोगों को भी देखा, तब भी उन्होंने नोटिस किया कि वेल्दी लोग भी कई बार इतने खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि लोग ये नहीं समझते हैं कि वेल्थ अचीव करने के लिए एक्चुअल में कितना हार्डवर्क, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और रिचनेस तक पहुंचने का जो रोड है वो कितना ज़्यादा जेलसी, बैक बाइटिंग, मेहनत से भरा हुआ है। तीसरी मिस्टेक में उन्होंने नोटिस करा कि जो लोग लग्जरी अचीव करते हैं वो लोग कई बार लग्जरी सिर्फ लग्जरी के लिए अचीव नहीं करते हैं, उनको चाहिए कहीं ना कहीं वो काम फील करे, प्योर फील करे, फ्री फील करे, उन्हें बस अपनी ज़िंदगी में बोर्डम और केओस नहीं चाहिए। बेसिकली ये तीन चीज़ें जिसके पीछे मैक्सिमम लोग भागते हैं वो उन्होंने नोटिस करा कि उससे लोग हैप्पी नहीं रहते हैं। तो अब बोलोगे कि यार हैप्पीनेस मिलती किससे है? वेल, उन्होंने इस तीन के बजाय और तीन डिफरेंट चीज़ों पर फोकस करने के लिए कहा है अपनी फिलॉसफी में हैप्पी रहने के लिए, जिसमें से पहली चीज़ है फ्रेंडशिप। आपने नोटिस करा होगा हॉट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन फ्रेंड्स में यूजुअली इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। फ्रेंडशिप वो बोलते हैं वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप होता है, जहाँ लोग अपने फ्रेंड्स को लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव या फिर इतनी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखते हैं। इसलिए पहला सोल्यूशन उन्होंने ये कहा, जितना हो सकता है उतना फ्रेंड्स लोगों के साथ रहो। और ये चीज़ उन्होंने बोली नहीं बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली करी भी। उन्होंने एक बड़ा सा घर खरीदा जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ रहने लग गए, बिकॉज उनका मानना यही है कि लोग खुश नहीं रहते हैं क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स से उतना मिलते नहीं हैं जितना उनको मिलना चाहिए। सेकेंड चीज़, वेल्थ के पीछे भागने से बजाय उन्होंने रिकमेंड करा लोगों को खुद से चीज़ें करना स्टार्ट करना।
जहाँ पे वो लोग बड़ा घर लेने के बाद, दोस्तों के साथ रहने के बाद, उन्होंने खुद की चीजें करना स्टार्ट करी, जैसे खुद से पेंटिंग करना स्टार्ट करा, फार्मिंग, कुकिंग, पोएट्री और ऐसी सारी चीजें करना स्टार्ट करी, जिससे हाँ शायद उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं आ रहे थे, बट एट द एंड वो लोग खुश थे। और थर्ड, लग्जरी के बजाय उन्होंने कामनेस पे फोकस करने के लिए कहा, बिकॉज एट द एंड लोगों को कामनेस चाहिए, और कामनेस अचीव बाहरी दुनिया से नहीं होती है। आपके पास कितना भी बड़ा बंगला रहे, जिसमें आपको कितनी भी अच्छी सीनरी दिख रही हो, वहां पे आप खुश नहीं रह पाओगे अगर आप इंटरनली खुश नहीं हो तो। इसीलिए थर्ड चीज जो उन्होंने कही है अपनी फिलॉसफी में, वो है टू फाइंड कामनेस इनसाइड योर ओन माइंड, जहां वो रिकमेंड करते हैं स्पेंडिंग टाइम अलोन, थोड़ा टाइम अपने आप के साथ रहना, रिफ्लेक्शन करना, बुक रीड करना, मेडिटेशन करना, ताकि वो अपने आप को, अपने ब्रेन को समझ सके। और ऐसी करके उन्होंने ये तीन चीजों पर फोकस करके एक्सपेरिमेंट किया, एंड गेस व्हाट, ये एक्सपेरिमेंट ह्यूजली सक्सेसफुल साबित हुआ। उनकी जो कम्युनिटी फॉर्म हुई थी वो एक्सट्रीमली हैप्पी होने लग गई, और इसीलिए ये जो आइडिया था वो वाइल्ड फायर की तरह फैल गया पूरी दुनिया भर में, ऑल अक्रॉस द मेडिटेरियन। उस टाइम पे 4 लाख से भी ज्यादा उनके मेंबर्स हो गए थे कम्युनिटी में, स्पेन से लेके पैलेस्टीन तक हर जगह पे उनकी कम्युनिटीज बनना स्टार्ट हो गई थी। नाउ ये सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर क्रिश्चियन चर्च ने उसे खत्म कर दिया, बट स्टिल वो लोग इन कम्युनिटीज को काफी रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए जो कम्युनिटीज को उन्होंने तोड़ा, वहां पे उन्होंने मोनेस्ट्रीज बनाई, और यही थी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो शॉर्ट में एपिक्यूरियन फिलॉसफी, जो हैप्पीनेस से रिलेटेड होती है। अब हिस्से हटके एक और फिलॉसफी आती है जो मुझे लगता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टोइसिज्म। आप इमेजिन करो कि आप एक बहुत अमीर मर्चेंट थे, फिर आप अपनी बहुत सारी दौलत लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, बट तभी तूफान आ गया और आपका जितना पूरा वेल्थ था शिप का वो डूब गया। आप अपने घर से थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे एक ऐसी जगह पे फंस गए, ना जहां ज्यादा आपको लोग जानते थे, ना आपके पास पैसा था, सब कुछ चला गया था, आप जीरो पे आ गए थे। ऐसे टाइम में मैक्सिमम लोग जिंदगी को कोसेंगे, अपने आप को कोसेंगे और खुश नहीं रहेंगे, बट जीनो ऑफ साइप्रस ऐसे नहीं थे, उनकी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था, बट स्टिल उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ का और अपनी पूरी जिंदगी के काम का फाउंडेशन बना दिया, और वो ऐसे फिलोसोफर बने जिसे आज भी दुनिया याद करती है। जब एथेंस में वो पहुंचे तो उनकी सारी वेल्थ खत्म हो चुकी थी, तब उन्होंने बुक्स रीड करना स्टार्ट करी, उन्होंने सोक्रेटिस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, और वो अलग अलग फिलोसोफर्स के साथ मिलकर काम करने लग गए, और वहीं से जन्म हुआ स्टोइसिज्म का। और ये आइडिया इतना पावरफुल साबित हुआ कि इसे जनरेशन ऑफ लीडर्स और थिंकर्स फॉलो करने लगे। अब ज्यादातर लोगों को लगता है स्टोइसिज्म क्या होती है, स्टोइसिज्म होती है टू बी काम अंडर प्रेशर, मतलब जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है हमें उस टाइम पे काम रहना चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। हाँ ये स्टोइसिज्म का एक पार्ट है, बट ये चीज सिर्फ एक पार्ट है। अगर आप देखोगे तो स्टोइसिज्म में और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डाइकॉटमी ऑफ कंट्रोल। ये कॉन्सेप्ट बताता है जिंदगी में जो भी चीजें होती है वो दो कैटेगरी में आती है, पहली थिंग्स यू कैन कंट्रोल, जैसे कि आपके थॉट्स, आपके एक्शन, आपके रिएक्शन, जबकि दूसरी कैटेगरी है थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल, जैसे कि एक्सटर्नल इवेंट्स, नेचर, अदर पीपल्स बिहेवियर, फ्यूचर। स्टोइसिज्म सिखाता है ना, हम ये जो सेकंड कैटेगरी है कई बार उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या एक्सटर्नल फोर्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो करना सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी को इंक्रीज करता है। जबकि स्टोइसिज्म बोलता है कि हमें फर्स्ट चीजों पर फोकस करना चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए हमारे थॉट्स, एक्शन और रिएक्शन। यह है पहला डाइकॉटमी ऑफ कंट्रोल। सेकेंड है एमोरफती, इसका बेसिकली मतलब है लव ऑफ फेट। ये रिफर करता है कि उन चीजों को एक्सेप्ट करना जो हमारे साथ हो रही है, चाहे फिर वो गुड हो या फिर बैड। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसिव हो जाओ, जो जिंदगी में हो रहा है होने दो, आप कुछ करो ही मत, नहीं। इसका मतलब बेसिकली ये है, आपको ये एक्सपेक्ट करके रखना चाहिए कि जिंदगी में चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, बट आप उसको फेस करते हो आगे बढ़ने के लिए। एक और चीज जो है, जो स्टोइसिज्म सिखाता है, पावरफुल लेसन है, वो है लिविंग इन द प्रेजेंट। स्टोइसिज्म एम्फेसिस करता है कि कैसे हमें आज में जीना चाहिए, बिकॉज आज और अभी का जो वक्त है वही ट्रूली हमारा वक्त है। पास्ट हम चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें प्रेजेंट में ही खुश रहना चाहिए। ऐसे ही स्टोइसिज्म और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सिखाता है, जैसे कि वर्च्यू एथिक्स, जहां वो हमारे अंदर क्वालिटीज जैसे कि विजडम, पढ़ाई करना, करेज रखना, जस्टिस, टेम्परेंस, ऐसे कई सारी चीजें हमारे अंदर रखने के लिए करता है। स्टोइसिज्म का जो फिलॉसफी है आपको उसके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जिससे आप इसके बारे में जाकर डिटेल में स्टडी कर सकते हो। बट टू बी ऑनेस्ट, स्टोइसिज्म की जो फिलॉसफी है वो काफी फेमस रही है लीडर्स में। जैसे कि स्टोइसिज्म के एक बहुत अच्छे फॉलोवर थे जिनका नाम है मार्कस ऑरेलियस, आपने शायद नाम सुना होगा, जो सालों साल एक बहुत ग्रेट लीडर बनकर रहे। और उनकी ही जो बुक है मेडिटेशन, उसने भी नेल्सन मंडेला को काफी ज्यादा हेल्प किया जो 27 साल तक प्रिजन में थे, बट स्टिल इसके बाद निकलने के बाद भी स्टोइक फिलॉसफी ने उनकी काफी हेल्प करी खुद अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए और उनके रेस को भी आगे बढ़ाने के लिए। ये तो बस दो फिलॉसफीज की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग फिलॉसफीज है जो मुझे लगता है लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प कर सकता है। बट हाँ,
समझने वाली बात यही है कि आपको हर एक फिलॉसफी को फॉलो नहीं करना है, आपको जो फिलॉसफी सबसे ज्यादा सही लगती है आपको उसे फॉलो करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं फिलॉसफी में निहिलिज्म, जिसके बारे में वो वीडियो में लड़का बात कर रहा था, उसमें भी कई सारी फिलॉसफीज आती है जो प्रैक्टिकली जिसे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। तो ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आप कौन सी फिलॉसफीज को फोकस कर रहे हो, कौन सी फिलॉसफी से सीख रहे हो और किससे इंस्पायर हो रहे हो। चलो फिलॉसफीज को साइड में रख के आप बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअलिटी को लेकर ना दो एक्सट्रीम में कई बार लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो कम्प्लीटली स्पिरिचुअलिटी में घुसे होते हैं, जो जरा भी लॉजिक के पीछे नहीं जाते हैं, और दूसरा ऐसे लोग होते हैं जो लोग स्पिरिचुअलिटी को एकदम ही बकवास समझते हैं, जो उसके पीछे बोलते हैं कोई लॉजिक ही नहीं है, जबकि ये दोनों चीज़ें ही सही नहीं है, एक्सट्रीम्स है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अभी मैं आपको चार चीज़ें बताता हूँ, लॉजिकल रीजन जो स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है लोगों को। जैसे कि पहला, स्पिरिचुअलिटी कई बार हमें हमारे ईगो से लड़ना सिखाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ईगो इज़ द एनिमी एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जिसमें रायन हॉलिडे बताते हैं कि कैसे ईगो ने उनकी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स लाए और कई बार लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स लाता है। ईगो का मतलब यूजुअली आय होता है। जितना हम आय आय करते हैं यानी मेरा मेरा, उतना ज़्यादा कई बार प्रॉब्लम्स आती है। और ये चीज़ कई बार रिलीजन्स और साइंटिफिकली भी ये चीज़ बताई गई है, जब हम बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं तो ये चीज़ हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सेकेंड चीज़ जो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है वो है लव। अब देखो, सिर्फ अपने पार्टनर और अपनी फैमिली को लव करना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं सिखाता है कि हमें कैसे दूसरों को भी लव करना चाहिए, दूसरों से रिलेटेड भी हमें एम्पैथी सिंपैथी रखनी चाहिए। थर्ड चीज़ जो स्पिरिचुअलिटी सिखाता है वो है फियरलेसनेस, कि कैसे हम फियरलेस हो सकते हैं अपने काम में। फोर्थ चीज़ सिखाता है वो है अनबर्डन लोड। कई बार जब हम ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ आए आए करते रहते हैं, मैं करते रहते हैं, तो हमें लगता है कि हर चीज़ सिर्फ हमसे ही हो रही है, जबकि स्पिरिचुअलिटी में हमें सिखाया जाता है सब चीज़ छोड़ छाड़ के भले से कुछ टाइम के लिए अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए। और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के लोड को कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमें ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ, हर चीज़ सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, कोई तो ऊपर वाला है, कोई तो एनर्जी है, कोई तो गॉड है जो सारी चीज़ों को चला रहा है, जिससे कई बार हमारे ब्रेन का लोड कम होता है और हम ज़्यादा हैप्पी रह पाते हैं। अभी ये सारी चीज़ें मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, आप जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है ना जो मेंटल फिटनेस के लिए, काम रहने के लिए और अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। अभी मैं उस वीडियो से रिलेटेड भी कुछ ओपिनियन देना चाहूंगा जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। अब मुझे नहीं पता उस वीडियो में वो जो लड़का था वो कितना सीरियसली ये चीज़ों को बोल रहा था, बट फिर भी मैं चार चीज़ तो बोलना चाहूंगा। पहली चीज़, उस वीडियो में जो बात बोली गई थी वो एक पेसिमिस्ट अप्रोच के साथ बोली गई थी। वो बोलते ना, एक ग्लास में आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, तो उसे आप ऐसा भी देख सकते हो कि आधा ग्लास खाली है, या फिर ऐसा भी देख सकते हो कि आधा ग्लास में पानी भरा है। जो आधा भरा हुआ दिखता है वो ऑप्टिमिस्ट है, जो आधा खाली दिखता है वो पेसिमिस्ट है। कहीं ना कहीं उस वीडियो में फिलॉसफी और ये सारी चीज़ों को लेके मुझे लगा वो वीडियो काफ़ी पेसिमिस्ट था, जो इतना सही नहीं था। सेकंड, उस वीडियो में जो बातें उसने कही है उससे मुझे एक रूमी का कोट याद आ गया जो बहुत पावरफुल लगता है। यस्टरडे आई वॉज क्लेवर सो आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। और कहीं ना कहीं जब आप फिलॉसफी और ये सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप यही चीज़ रियलाइज करते हो कि दुनिया बदलना है तो सबसे पहली चीज़ जो करनी पड़ेगी तो वो है हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और यही मैच्योरिटी होती है, जब आप नॉलेज लेते हो, कोई चीज़ें सीखते हो, तो आप बेसिकली वाइज होते जाते हो। आपको समझ में आता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए आपको दूसरों के अंदर चेंजेस नहीं लाना है, बल्कि बस स्टार्टिंग में अपने अंदर चेंजेस लाना है। थर्ड पॉइंट मैं यही बोलना चाहूँगा, कोई भी पावरफुल चीज़ जो होती है ना, तो उसके अंदर ये टेंडेंसी रहती है कि वो हमें थोड़ा बहुत हार्म भी कर सकता है अगर हम उसे सही से यूज़ ना करें तो। सिमिलरली नॉलेज भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पावरफुल चीज़ है, बट अगर हम उसे सही से ना यूज़ करें, उसकी डेप्थ को ना समझे और सिर्फ यहाँ वहाँ चीज़ें करते रहे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसा उस वीडियो में मुझे उस लड़के के लिए लग रहा था कि वो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि ये चीज़ करना सही नहीं होता है। और लास्ट फोर्थ चीज़ है जो थर्ड पॉइंट से रिलेटेड वो है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की, कि जब एक इंसान बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करता है और कभी एक चीज़ से दूसरी चीज़ों में जाता रहता है विदाउट गोइंग इनटू डेप्थ, तब ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि ज़िंदगी में करना क्या है, क्या सही है क्या गलत है, जो कहीं ना कहीं उस वीडियो से मुझे दिख रहा था उस लड़के के अंदर भी, जो आपके अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी की जो चीज़ मैंने बताई आपको, साइकोलॉजी बहुत पावरफुल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप साइकोलॉजी के हर एक एस्पेक्ट को समझ सकते हो और आपको हर चीज़ सीखना भी चाहिए। नहीं, आपको बस उसके कुछ फील्ड्स को यूज़ करना चाहिए जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करे, और बस उसे ऐसा करते रहोगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। साइकोलॉजी से रिलेटेड मैंने कई सारी इंटरेस्टिंग बुक समरीज बनाई है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो समरीज आप जरूर देखना। साइकोलॉजी कैसे आप यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उससे रिलेटेड काफ़ी आपको हेल्प करेगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कि ऐसी मैं शॉर्ट वीडियोस को डिबंग करूं, मेरे ओपिनियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, बुक्स के रेफरेंस के हेल्प लेके, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट संडे किसी एक बुक समरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।